टीवी एक्ट्रेस ऋषिका मिहानी अपने एक फैसले के बाद लाइमलाइट में आ गई है। ये फैसला कुछ ऐसा है जो सभी को चौंका देगा। वैसे तो आपने टीवी पर ऋषिका मिहानी को कई दफा देखा होगा। इन्होंने लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इश्कबाज, इस प्यार को क्या नाम दूं 3 जैसे कई शोज में काम किया है। फिलहाल ये टीवी की दुनिया से गायब है और दुबई में कुछ अलग ही कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस 2 साल पहले ही दुबई शिफ्ट हो गई थी और अब 2022 में अपनी लाइफ की नई शुरुआत करके वो बहुत ही खुश है। एक्टिंग करियर छोड़ ऋषिका ने नए देश नए शहर में रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया है। वो कहती है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एजेंट का काम कर रही हूँ। मैं अपने नए करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत खुश हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह मुझे मुंबई ने अपनाया था, उसी तरह ये नई जगह भी मुझे उतना ही प्यार और सम्मान के साथ एक्सेप्ट करे। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद को टेस्ट करना चाहती हूँ। एक्टिंग करियर के बारे में एक्ट्रेस ने बताया, जब भी मैं मुंबई रहूंगी और मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो मैं उसे जरूर करूंगी। मैं एक एक्टर हूं और हमेशा रहूंगी। मैं बस एक नए अवसर की तलाश कर रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को सीमित कर रही हूं। वहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल का ब्रेक लेने के बाद दोबारा वापसी की है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसने हमेशा लोगों का स्वागत किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं वापस आने का प्लान करूंगी, तब मेरा भी ऐसा ही वेलकम किया जाएगा। रियल स्टेट में जाने की वजह बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, दरअसल मेरा भाई भी रियल स्टेट में है, उसको देखकर मेरा भी इंटरेस्ट जाग उठा, तो मैंने भी इसमें अपना हाथ आजमाने का मन बना लिया। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें टीवी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ टीवी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे वो अच्छे नहीं थे। कुछ ऐसा नहीं था जो बतौर एक्टर मुझे पसंद आता। शायद भविष्य में ऐसा हो, देखते हैं। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिका जैन पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।